कृष्ण की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर, वो भी बिना तले, ऑयल कम से कम लगाकर, ताकि वो हेल्दी रहे। इसके लिए मैंने बनाया है पनीर। ये देखिए, ये पनीर बनाया है, और जो पनीर बनाने के बाद जो पानी निकला है वो भी मैंने फेंका नहीं है। जो मैं जीरा राइस बनाऊंगी चिली पनीर के साथ खाने के लिए, वो मैं पानी की जगह ये दूध वाला पानी यूज करूंगी, जो मैंने दूध फाड़ा है पनीर बनाने के लिए। तो आप इस पानी को भी बिल्कुल मत फेंकिएगा। इसके हम छोटे छोटे क्यूब्स कर लेंगे। मैंने थोड़े से टमाटर, मतलब 6 टमाटर और 6 लाल मिर्च साबुत, इसको उबाल लिया है। ये देखिए, डलेगा तो इसमें 1 कड़छी ये इसका, लेकिन ये आपका बहुत सारी चीजों में वापस काम आएगा, नहीं तो आप इसकी चिली सॉस बना लीजिएगा बाद में। मैंने प्याज और शिमला मिर्च दोनों के स्लाइसेस कर लिए हैं बड़े बड़े। हरा धनिया काट लिया है, कॉर्नस्टार्च या अरारोट 1 चम्मच जो भी हो आपके पास वो लगेगा। थोड़ा सा ऑयल सेकने के लिए। बस अब मैं इसके क्यूब्स कर लेती हूँ और इसकी प्यूरी बना देती हूँ। देखिए, मैंने जीरा राइस, हींग और जीरे का छौंक लगाकर चावल डाल दिए हैं, और इसमें दूध जो फाड़ा था दही पनीर बनाने के लिए उसके पानी को बना दिया है, और 1 सीटी आने तक इसको पकने देंगे। कढ़ाई की गैस मैंने ऑन कर ली है, कढ़ाई गर्म कर ली है। पनीर काट लिए हैं और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का ये पेस्ट बना लिया है, जो हमने उबाली थी ना टमाटर और लाल मिर्च, उसका पेस्ट बना लिया है टमाटर और लाल मिर्च का। अब कॉर्नफ्लोर या अरारोट जो भी आपके पास हो, आप 1 चम्मच ऐसे लेंगे और पनीर को ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। इसको इस तरह से आपको सारे पनीर में घुमा लेना है अच्छे से। इस पनीर को इस तरह से इसे कवर कर देना है। कढ़ाई में हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालना है। हमें पनीर को तलना भी नहीं है, शैलो फ्राई भी नहीं करना, बस थोड़ा सा हमें सेकना है, क्योंकि हम इस डिश को बहुत ही ज्यादा हेल्दी बना रहे हैं। हम लॉकडाउन में हैं, हमारा ज्यादा वर्कआउट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें कोरोना से बचने के लिए प्रोटीन भी ज्यादा खाना है। अगर हम नॉनवेज नहीं है तो हम प्रोटीन किस तरह खा सकते हैं। जो लहसुन खाते हैं वो इस समय इसमें कढ़ाई में 2-3 कलियां बारीक बारीक काट कर इसमें लहसुन ही डाल सकते हैं। अदरक भी मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने टमाटर और लाल मिर्च का जो पेस्ट उबाल के बनाया है इसी में अदरक भी डाल दी है पीस कर, इस तरह का। इसे थोड़ा सा बड़ा पीस, मैंने 1.5 इंच का पीस इसी में पीस दिया है। बस अब ये कढ़ाई गर्म होने के साथ ही हम इसमें ये पनीर डाल देंगे, जिस पर हमने अरारोट या कॉर्नफ्लोर जो भी आप कहते हैं, दोनों में से जो सा भी चीज आपके पास हो, उसकी कोटिंग इसके ऊपर थोड़ा सा बुरादा सा बुरक कर इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह हम इसको उसको डाल देंगे और उसको थोड़ी सी देर चला लेंगे। पनीर सिक गया है ये देखिए, और अब हम इसमें ये कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। ये मैंने कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च इसमें डाल दिए हैं, इन्हें भी सेक लेंगे। और ज्यादा तेल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी रेसिपी हमें सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में बनानी है, ये याद रखिएगा। वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनेगी। चावल में सीटी आ गई है और मैंने गैस बंद कर दिया है। ये जीरा राइस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसको सिर्फ 2 मिनट और सेकना है आपको। प्याज और शिमला मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च जैसे ही सीख जाए आपको खुशबू आने लगेगी, बेहद खूबसूरत खुशबू प्याज और शिमला मिर्च के सीखने की। अब ये जो हमने टमाटर और लाल मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया था, ये पेस्ट मैं 4 बड़े चम्मच भर के इसमें डाल दूंगी। 4-5 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं ये पेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़ी चम्मच, इतनी बड़ी चम्मच भर के टमाटो केचप इसमें डालनी है आपको, और सोया सॉस डालनी है। सोया सॉस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है क्योंकि हमें इसका कलर बेहतरीन चाहिए। ये देखिए 1 चम्मच और ये 2 चम्मच, 1.5-2 चम्मच के करीब हमें इसमें सोया सॉस डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, सिर्फ चुटकी भर नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक है, तो आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कम डालेंगे तो बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसको 2 मिनट भूनने के बाद हम क्या करेंगे, पानी लेंगे इसमें। मैंने 4 चम्मच पानी लिया है, और इसमें मैं ले रही हूँ ये कॉर्नफ्लोर या अरारोट जो भी है आपके पास, 1/4 चम्मच अरारोट लेकर
हमने इस पानी में घोल दिया। घोलने के बाद अभी हम इसको सेक कर, ये देखिए गैस तेज कर लीजिए। गैस तेज करने के बाद इसमें आप ये अरारोट का पानी डालिए। ये सोया सॉस की चम्मच थी इसलिए पानी का रंग आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये अरारोट और पानी ही है। कॉर्नफ्लोर और पानी है, अरारोट और पानी। ये डालने से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी, इसमें बहुत अच्छी चमक आ जाएगी सब्जी पर, और ये बहुत ही बेहतरीन चिली पनीर लगेगा आपको। ये देखिए बाजार से भी ज्यादा बढ़िया, कितने पैसों की बचत कर लेंगे आप इसको घर में बनाकर। और सबसे बड़ी बात, आपको ये यकीन रहेगा कि हम जो खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं, बेहतरीन खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। बहुत जल्द बनके तैयार होता है, जरूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारे कमेंट्स देते रहिएगा। ये देखिए जीरा राइस बनकर तैयार है, एकदम खिले खिले कुकर में। इस जीरा राइस के साथ हम इसको परोसेंगे। ये हमारे चिली पनीर बनकर तैयार है, बेहद शानदार, बाजार से भी ज्यादा बढ़िया, आसान रेसिपी विदाउट ऑयल। जरूर बनाइए, खाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, जैसे मैं जीरा राइस के साथ खा रही हूँ। आप पराठे के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अदरवाइज मैं तो ऐसे भी खा लेती हूँ। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।